हाय फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल तहे दिल से स्वागत करता है। तो फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं रीमन इंटीग्रल का पार्ट 11। इससे पहले भी बहुत वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन उनमें एक विक्रम सी नहीं है, आप वो भी देख सकती हैं। तो हम सवाल लेकर आए हैं, इफ यदि ये फंक्शन एफ हमारा कोई फंक्शन है डिफाइंड है जो कि इस इंटरवल में है, जो कि कौन सा इंटरवल है, क्लोज्ड है, ठीक है, वेयर जहाँ पे ए का मान जो है 0 से बड़ा है, ठीक, वाई एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन डिफाइन इस रूप में डिफाइंड है एक्स क्यू के रूप में, ठीक है, यही हमें ध्यान रखना पड़ता है कि फंक्शन किस रूप में डिफाइंड है, क्योंकि इसी से हमारी जो इन्फीम एंड सुप्रीम वैल्यू निकलती है वो इसी से अनुसार ही निकलती है, ठीक है। देन तो हमें सिद्ध करना कि एफ इज रीमन इंटीग्रल होगा। रीमन इंटीग्रल तक कब होगा, जब जो लोअर रीमन इंटीग्रल और अपर रीमन इंटीग्रल दोनों ही क्या इक्वल आ जाएं, क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तब हम कहें कि ये जो है रीमन इंटीग्रल है। तो फिर हमें जी हमें समाकलन निकालना है इसका, ठीक है, वो तो जनरली जानते ही है, लेकिन हम किससे निकालना है, रीमन इंटीग्रल से, ठीक है। तो इससे पहले हमने जो वीडियो देखा उसमें एक्स स्क्वायर फंक्शन डिफाइंड था, ठीक है, यही इंटरवल था। अभी एक मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इंटरवल कोई सा भी रहे, लेकिन हमें इंटरवल इसमें जी हमें दिया गया है, ठीक है। एक बात और यहाँ पर नोटिस करनी है आपको, क्या इसमें हमें पार्टीशन नहीं दिया गया है, हमें पार्टीशन इसमें बनाना पड़ेगा। और कभी कभी सवाल आ जाते हैं पार्टीशन दे करके, तो उसका वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इफ़ ये फंक्शन एफ इज बाउंडेड फंक्शन, इसमें फंक्शन इस रूप में डिफाइंड है, तब हमें सिद्ध करना है कि रीमन इंटीग्रल है और जो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। देखेंगे इसका सॉल्व कैसे करती हैं। तो हमें तो पार्टीशन मानना पड़ेगा, लेट माना पी बराबर पार्टीशन। पार्टीशन कैसे, 0 से a है, तो हमें क्या करना है, बस क्रम से बढ़ाते जाना है a, ठीक है, फिर 2a आएगा, फिर 3a आएगा, फिर 4a आएगा, डॉट डॉट करके यदि r-1 में पद निकालें तो a आएगा, फिर r into a आएगा, डॉट डॉट क्या आ जाएगा हमारा, n into a। अब लेकिन ये तो बढ़ रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे, प्रत्येक में n से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, प्रत्येक में n से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो पार्टीशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा पार्टीशन इस रूप में, या फिर ऐसा और लिख सकते हैं, हमारा पार्टीशन क्या बना, 1a/n, 2a/n, 3a/n, डॉट डॉट, इन जनरल r-1 into a n, r a/n, डॉट डॉट a। तो यहाँ से हम कोई सी भी वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो हमारा जो फंक्शन आएगा वो इसी से रिलेटेड होगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर n = 2 रख देंगे, तो ए यहाँ पर देखो 2 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो 1.5 हो जाएगा, मतलब लेकिन हमें पद देखना है, पद कैसे, n = जैसे हमने कितना रखा, 2 रखा, ठीक है, तो 2 यहाँ तक आएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा करके 3 रखेंगे तो यहाँ तक, तो ऐसा होता है पार्टीशन का मतलब, ठीक है। क्या है जी, वी द पार्टीशन, पार्टीशन है ऑन या ऑफ कह दीजिए 0, a में, ठीक है, हमने पार्टीशन बना लिया। अब हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी इसका, सब इंटरवल जैसा हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था, तो हम मान लेंगे एंड सब इंटरवल इन जनरल IR के लिए मानेंगे, तो क्या बनेगा, वो छोटा फिर बड़ा लिख लेंगे, r-1 into a/n, r a/n, ठीक है, इन जनरल के लिए मान लिया। क्या है ये जे सब इंटरवल, क्या है, सब इंटरवल, इतना समझ में आ गया है, पार्टीशन बना लिया हमने, और जो IR है हमने वो सब इंटरवल मान लिया, किसका है जो ऑफ है, पी का है, ठीक है, इतनी इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब करेंगे क्या, इतना करने के पश्चात हमें चाहिए जो हमें लोअर रीमन सम और अपर रीमन सम निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो लोअर रीमन इंटीग्रल होता है वो लोअर, आप देख लीजिएगा, लोअर रीमन सम होता है उसका सुप्रीमम लेती है, क्या होता है, -a^2 v(f(x) dx, ये होता है लोअर, लोअर ये होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुप्रीमम निकालते हैं हम लोअर रीमन सम का, है ना। इसी प्रकार से अपर जो होता है उसमें अपर का हम लेते हैं, तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा ना,
लोअर डिमेंशन, तो इसके लिए डेफिनेशंस में क्या चाहिए, स्मॉल एम आर और कैप, स्मॉल एम आर और डेल आर, और अपारी के लिए कैपिटल एम आर यानी कि सुप्रीमम वैल्यू उसके लिए है ना। वैसे ही आई आर हमारा ये हो गया, ठीक है। तो डेल आर निकाल लेंगे, जब हमने जो इंटरवल मान लिया तो डेल आर हमारा क्या निकलेगा, हाईएस्ट में से लोएस्ट को घटा देंगे, ठीक है, आर ए एन माइनस का आर माइनस वन अपॉन एन इंटू ए, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ए अपॉन एन आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर चाहिए, तो वो देखा जाता है फंक्शन। फंक्शन हमारा किस रूप में डिफाइंड है, एफ एक्स क्यू के रूप में है, एफ ऑफ एक्स बराबर, तो एक्स क्यू के रूप में ही हमारा इनफिमम वैल्यू बनेगी, एंड हमारा जो स्मॉल एम आर बनेगा वो क्या बनेगा, आप समझ गए होंगे क्या बनेगा, जो हमारा इंटरवल है जी हमारी इनफिमम कहलाएगी, जी हमारी सुप्रीम, लेकिन कब, जब इसका घन घन कर देंगे, क्यूब ले लेंगे, तो मतलब क्या, आर माइनस वन इंटू ए अपॉन एन का क्यूब, एंड कैपिटल एम आर क्या हो जाएंगी, आर ए अपॉन एन का होल क्यूब। तो ये हमारी स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर वैल्यू बन गई है। तो अब जो हम आसानी से इनकी लोअर डिमेंशन और अपर डिमेंशन हम निकाल सकते हैं, तो नाव आप क्या कर लेंगे, नाव हम निकाल लेंगे लोअर डिमेंशन पहले, चलो निकालते हैं। तो ये कैसे, इसकी डेफिनेशंस क्या कहती है, आर बराबर वन से लेकर एन स्मॉल एम आर डेल आर, बस इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो देखते हैं क्या आता है निकल के। आर बराबर वन से स्मॉल एम आर का मान आर माइनस वन का होल क्यूब ए क्यूब और यहाँ पर एन क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू मान रख रहे तो डेल आर की वैल्यू ए अपॉन एन, ठीक है, इतना आ गया। अब इतना आ जाने के पश्चात अब हम इसका क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आर पर निर्भर नहीं उनको हम बाहर कर लेंगे, एन तो आर पर निर्भर नहीं है, तो क्या करेंगे, ए भी नहीं है, तो ए वाई एन का चार, इसको हमने बाहर कर लिया। फिर यहाँ पर जो बचेगा उसको हम देख लेंगे, आर बराबर वन से एन आर माइनस वन का होल क्यूब, बस इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल होता है इसको सॉल्व करना। तो ए घात चार सॉरी एन घात चार, ठीक है। अब इसमें हम आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, जब कर आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर फिर वन का सॉरी क्यूब, वन का क्यूब प्लस का टू का क्यूब प्लस का थ्री का क्यूब डॉट डॉट, इस टाइप से ये एन माइनस वन में पद का क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे ये हमारा फॉर्मूला के मतलब किस सीरीज वैसा बन रहा है कि एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, इसका फॉर्मूला वो बहुत ये वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख रहे हैं, वो फॉर्मूला होता है हमारा एन एन प्लस वन बाय अपॉन में क्या होता है टू पे पावर होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे तो बस हमारा जिसका जो सम है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है, ए अप ए घात चार आर घात चार, ठीक है। अब यहाँ पे एन वा पद क्या है हमारा, एन माइनस वन, तो एन की जगह पे एन माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पर एन माइनस वन होगा तो क्या बचेगा, एन बचेगा ओनली, तो यहाँ पर टू का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो अब इसको हमें जी हमारा क्या आ गया, लोअर रीमन सब निकल के आ गया, ठीक, इतना आ गया लोअर रीमन सब। अब हमें क्या करना है, इसका लोअर रीमन इंटीग्रल निकालना है ना, आप क्या कर लेंगे, लोअर रीमन इंटीग्रल लिमिट क्या है हमारी, जीरो टू ए है, तो जीरो टू ए यहाँ पे माइनस लगा देती हैं शो करने के लिए, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, ये सुप्रीमम होता है किसका, लोअर रीमन सम का, सुप्रीमम होता है लोअर रीमन सम का। तो सुप्रीमम का क्या मतलब है, नॉर्म ले लो, या तो टेंस टू जीरो होती है नॉर्म, या फिर ऐसा करो कि एन की लिमिट ले लो इन्फिनिटी, कैसे, इसकी जो लेंगे लिमिट लिमिट ले लेंगे नॉर्म ऑफ पार्टीशन की टेंस टू जीरो की ओर, वो किसके अनुसार, लोअर रीमन सम के अनुसार, ठीक है, या फिर ऐसा करो जब ये नॉर्म जीरो की ओर कब जाएगी, जब एन का मान इनफाइनाइट की ओर जाएगा, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जब ये जीरो की ओर कब जाएगी, जब इसका मान अनंत होता जाएगा, है ना, जो पार्टीशन हमने माना है, जब इसका मान इनफाइनाइट की ओर जाएगा तभी तो वो हो जाएगा जीरो की ओर, तो वही है यहाँ पर जीरो की ओर। तो मतलब क्या कहने का मतलब है मेरा,
यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसकी एन टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट ले लेंगे लोअर इवन सम की, ठीक है। तो मतलब दोनों का ये एक ही होता है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। बस इसमें ये मान करेंगे लिमिट लगा लेंगे, लिमिट तो हमने सीख लिया है बहुत पहले, इंटरमीडिएट में हमने सीख चुके हैं, तो हम देखेंगे अब हमने क्या निकाला है। इंटीग्रेशन जी माइनस जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको हमने क्या निकाला अभी, एन टें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, वो क्या था फिर, ए घात चार एन घात चार एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर, ये निकाला था। बस इसकी लिमिट सॉल्व करना है, जब अनंत बटे अनंत फॉर्म बनती है तो क्या करती हैं, जो जिस पर अनंत होता है उसको हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी ए घात चार एन घात चार, इसको हम कॉमन करेंगे तो एन घात चार आ जाएगा, एन यहाँ से और ये इसका स्क्वायर होगा, तो एन घात चार तो वन, वन माइनस का वन अपॉन एन, और यहाँ पर तो वन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। दो चार हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एन घात चार से एन घात चार कैंसिल ए बाई फोर आ जाएगा, ठीक है जी। हमने निकाल लिया क्या इसका लोअर रीमन इंटीग्रल, नाम आप क्या करेंगे, अपर रीमन इंटीग्रल निकालेंगे। अपर के लिए समेसन आर बराबर वन से एन कैपिटल एम आर डेल आर होता है, तो इसके लिए मान रखेंगे आर बराबर वन से एन कैपिटल एम आर का मान कितना है, आर इंटू ए डिवाइडेड बाई थ्री एन मतलब का होल क्यू डेल आर का ए अपॉन एन। तो जो निर्भर नहीं कर रहे हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, जो डिपेंडेंट नहीं है। तो एन घात चार यहाँ पर हम इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे तो आर की जगह पर वन का स्क्वायर प्लस सॉरी टू का क्यू प्लस का थ्री का क्यू डॉट डॉट इन जनरल एन का क्यू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर वही बात आ रही है, तो क्या हो जाएगा जी, ए घात चार अपॉन एन घात चार, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वही एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर। तो जी हमारा अपर आ गया, तो जी हमें अपर आ गया, अब हमें क्या निकालना है जी, अपर रीमन इंटीग्रल। अपर रीमन इंटीग्रल के लिए बस सिंपल फॉर्मूला वही निकाल लेंगे, इनफीमम ले लेते हैं सुप्रीमम का सॉरी अपर रीमन सम का, है ना, अपर रीमन सम इनफीमम लेंगे। इनफीमम का मतलब लिमिट जो लेंगे हम एन टेंस टू इन्फिनिटी, और अपर हमने जो क्या निकाला, ए घात चार अपॉन एन घात चार एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इसका होल स्क्वायर जी। अब वही है कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा जी हमारा, ए घात चार अपॉन फोर। तो ये इस टाइप से हमने देख रहे दोनों क्या है हमारे, इक्वल हैं। सिंस चूंकि जी हमारा लोअर रीमन इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर अपर रीमन इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या है, इक्वल है। वो इक्वल कितना है, एक घात चार, ठीक है, इतना है, इतना इक्वल है। देन तब हम इसको कह सकते हैं जीरो टू ए, मतलब क्या जी सारणी फिर लगाते हैं हम, सीधे से हम कहते हैं, तो इसकी हमें वैल्यू भी प्राप्त हो गई है, ठीक है, ये हो गया। दस इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एफ है वी द रीमन इंटीग्रल, रीमन इंटीग्रल, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये सवाल लगाते हैं, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, पार्टीशन बनाइए, पार्टीशन बनाना बहुत आसान होता है। पार्टीशन बनाने के पश्चात तुरंत बाद हम डेल आर और स्मॉल इनफीम एंड सुप्रीम वैल्यू लिख लेते हैं, फिर लोअर रीमन सम एंड अपर रीमन सम फाइंड कर लेते हैं। इतना फाइंड करने के पश्चात फिर हम लगा देते हैं लोअर रीमन इंटीग्रल एंड अपर रीमन इंटीग्रल की फॉर्मूला, तो उससे हम प्राप्त कर लेते हैं इन सभी भी, यदि वो इक्वल आ जाते हैं तो ये हमारा रीमन इंटीग्रल होगा, यदि नहीं आते हैं तो वो नहीं होगा। तो एक सवाल हम लगाएंगे जो कि यदि ये इक्वल नहीं आए तो उसका हम सवाल देखेंगे, वो बहुत बार आया भी एग्जाम में, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।